शरद त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शरद जी, एक बात बताइए, ये अलग अलग मतलब 30 दिन का हिसाब, 100 दिन का हिसाब, फिर 6 महीने का हिसाब, साल भर का हिसाब, ऐसा लग रहा है कि सरकार 5 साल का इंतज़ार करना नहीं चाह रही है, 5 साल को अलग अलग महीनों में और साल में विभक्त करके एक बड़ा है ना डेवलपमेंट का एक बड़ा रोड मैप दिखाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, ज़मीन पर भी चीज़ें उतर रही है। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, इसके बावजूद अभी तो ठीक है रोड मैप तैयार किया जा रहा है, लेकिन क्या जो सारी चीज़ें सोची जा रही हैं 5 साल तक पूरी तरह से इफेक्टिव हो जाएगा कि अगली बार किसी की भी सरकार आए कम से कम जो ढांचा आप लोगों की तरफ से बनाया गया उसे वो तोड़ ना पाए? बताइए सर जी, जैसे पहले भी जितनी सरकारें आई थी वो प्रोग्राम लाती थी, लेकिन दिक्कत ये होती थी कि डिलीवरी या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता था। कहीं ना कहीं जो जोश होता था, जोश खरोश जो नई जब सरकार आती तो होता था, वो थोड़े दिन के बाद शांत हो जाता था। जो पॉलिसी होती थी वो आई गई हो जाती थी, फिर वही घूसखोरी माफिया अपराध निरंकुश आ जाता था और सब कहानी जस की तस बनी रहती थी। ये उत्तर प्रदेश ने पिछले 30 साल में देखा है, लेकिन जो पिछले 5 साल में सरकार ने, हमारी सरकार ने काम किया है, जो हमारा एक बहुत पुराना नारा है कि जो कहते हैं सो करते हैं, जो कहा था सो करके दिखाया। अपराध को सबसे पहले नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यापार, कोई भी विकास तभी हो सकता है जब वहां अपराधी ना हो या बिल्कुल उनके ऊपर अंकुश लगा हो, वो कोई अपनी कार्रवाई ना कर सके। तो हम लोगों ने वो काम किया, 4 कमिश्नरी बनाई, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा कमी थी उत्तर प्रदेश में उसको मजबूत करने की जरूरत थी, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट विश्व में सबसे ज्यादा थी, क्योंकि सड़कें बेहाल थी तो गाड़ी जो है वो उस तेजी से नहीं जा सकती थी, और अगर ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है तो व्यापारी अपने आप ही उसका व्यापार कमजोर पड़ जाएगा। जीएसटी लगा दिया गया ताकि जीएसटी से जो अलग अलग राज्यों में जो लाठी दे के आपने देखा होगा बॉर्डर पे वसूली की जाती थी, कर वसूली की जाती, वो सब खत्म हो गया। तो अब वही उसी चीज को आगे हमें ले जाना है, क्योंकि अब जो है एजेंडा है कि हमको उत्तर प्रदेश को पहले लेवल पे लाना है। पहले 14 से दूसरे पे हम पिछले 4-5 साल में ले आए, जिसमें कि 2.5 साल से वायरस की भेंट चढ़ चुका था। उसके बाद उत्तर प्रदेश को ईज ऑफ बिजनेस में दूसरे नंबर पे ले आए, अब हमको इसे पहले नंबर पे लाने की जरूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, विकास के कार्य चल रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी उसका समाधान देखा गया है, और आपने अभी देखा हाल में ही कि जिस तरह जगह जगह दबिश डाली जा रही है, जगह जगह रेड पड़ रही है, इन्फोर्समेंट की रेट पड़ रही है, बाकी अन्य विभाग रेट डाल रहे हैं। अभी कल ही नोएडा में रेट पड़ी है, जिसमें 6 बड़े जो इस्पात के संयंत्र थे उनके ऊपर जीएसटी का 1000 करोड़ रुपए का घोटाला करने की सूचना आई और उसको उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है। तो ये जो एजेंट, लेकिन इसमें जरूरत ये है कि जैसे आपने देखा कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसी शाम को मीटिंग करी गई और सबको उनका एजेंडा दिया गया कि हफ्ते में क्या करना, 15 दिन में क्या करना, महीने में क्या करना, और इसकी समीक्षा। चलिए ठीक है, लेकिन 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 ऐसा क्यों लगता है मुझे शरद त्रिवेदी जी, ऐसा क्यों लगता है कि फैसले बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं ना? फैसलों की जो संख्या है महीने के हिसाब से देखें तो 30 दिन में लगभग 40-45 फैसले लिए गए। क्या इन फैसलों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है, नहीं पहनाया जा रहा है, भी एक बड़ा सवाल है।